दोस्तों देख सकते हो मेरा मोबाइल फोन। और चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि इंस्टाग्राम न्यू अकाउंट किस तरीके से बनाया जाता है, वो भी 2023 में बिल्कुल नया तरीका बताऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों इंस्टाग्राम अकाउंट बनाने के लिए आपको प्ले स्टोर में जाकर के आपको सबसे पहले इंस्टाग्राम ऐप को जो ना अपडेट कर लीजिएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे अपडेट कर रहा हूँ तो आपको सबसे पहले अपडेट करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे कुछ सेकंड लगेगा अपडेट होने में। तो देख सकते हो अपडेट होने के बाद सिंपल आपको जो ना इंस्टाग्राम ऐप को ओपन कर लीजिएगा। और यहाँ पे आपको जो ना वेबसाइट से भी जैसे मैं बनाऊंगा ना वो आप मोबाइल ऐप से भी कर सकते हैं, डेस्कटॉप से भी आप कर सकते हैं और दोस्तों मोबाइल ब्राउजर से भी आप अकाउंट बना सकते हैं। तो सभी तरीका मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे इंस्टाग्राम ऐप को ओपन करोगे ना तो यहाँ पे आपको सबसे पहले दोस्तों जो आपने ऑलरेडी इंस्टाग्राम आपने अकाउंट बनाया तो यहाँ पे यूजर आईडी या ईमेल आईडी या फोन नंबर या आप पासवर्ड डालकर लॉग इन कर सकते हैं। लेकिन नया इंस्टाग्राम अकाउंट बनाने का नया तरीका बताऊंगा। क्रिएट न्यू अकाउंट पे आपको क्लिक करना पड़ेगा और जैसे क्लिक करने के बाद सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे बोलेगा फुल नेम डालने के लिए, तो यहाँ पे आप कोई भी नाम डाल सकते हैं, जैसे कि टेस्ट एक्सपेरिमेंट मैंने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना होगा, जो भी आपका नाम है ना वो आप डाल दीजिए। डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको बोलेगा कि आपको जो ना नया पासवर्ड आपको बनाने के लिए। दोस्तों बहुत सारे लोग जो ना क्या गलती करते हैं, जो आप पासवर्ड डालते पासवर्ड तो इंस्टाग्राम पे डाल देते तो है लेकिन आप इंस्टाग्राम पासवर्ड को आप भूल जाते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा तरीका बताऊंगा जो इंस्टाग्राम अकाउंट को आप बनाओगे ना तो आप इंस्टाग्राम ऐप को डिलीट भी कर दोगे, पासवर्ड आप भूल भी जाओगे ना, फिर भी आप जो ना इंस्टाग्राम अकाउंट को आप लॉग इन कर सकते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट के अंदर कुछ सेटिंग है जो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले न्यू पासवर्ड को आप बना लेना होगा, तो न्यू पासवर्ड मैं डाल देता हूं। तो दोस्तों देख सकते हैं मैंने यहां पे इंस्टाग्राम का न्यू पासवर्ड बनाने के बाद दोस्तों यहां पे आपको जो ना नेक्स्ट पे क्लिक कर देना होगा। तो जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हो ना, नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो सेटिंग के बारे में आपको बता रहा था ना यही सेटिंग है, यानी कि आप इंस्टाग्राम का पासवर्ड भी भूल जाओगे और आप इंस्टाग्राम ऐप को भी डिलीट कर दोगे ना, दोबारा आप इंस्टॉल करोगे ना फिर से बिना पासवर्ड का सिर्फ यूजर नेम से जो ना आप बड़ी आसानी से लॉग इन कर सकते हो। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे सेव, यहाँ पे लिखा सेव योर लॉग इन इन्फो होगा, तो यहाँ पे आपको सेव करना होगा, नॉट सेव मत करना। ठीक है, यहाँ पे आपको सेव करना। तो जैसे सेव करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप जो भी आपका बर्थडे है ना तो यहाँ पे आप डाल सकते हो। चलिए यहाँ पे कोई भी बर्थडे यहाँ पे डाल देता, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे क्या 2003 यहाँ पे डाल देता, सेट पे क्लिक कर देता हूं। जो भी आपका बर्थडे है ना वो आपको डालना पड़ेगा और डालने के बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना होगा। और जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको चार नंबर का काम करना पड़ेगा। यहाँ पे यूजर आईडी यहाँ पे बोल रहा है, यानी कि जो इंस्टाग्राम का जो यूजर नेम होता ना वो आपको डालना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि जो आपने नाम डाला ना वो ऑटोमेटिक इंस्टाग्राम आपको सजेशन दे देगा, अगर अवेलेबल नहीं होता ना तो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हो, अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हो। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे एडिट वगैरह भी आप कर सकते हो, यही नाम को रहने दूंगा यूजर आईडी को। ठीक है, आपको जो ना यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना होगा। और जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पे आपको पांच नंबर का स्टेप ये है कि आपको मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, वो भी सिक्योरिटी के तौर पे। जी हां, सिक्योरिटी के तौर पे जो ना आपको मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, आप ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं और मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरा रिकमेंडेड है कि मोबाइल नंबर डालना काफी जरूरी है। तो यहां पे क्या करूंगा, यहां पे मोबाइल नंबर यहां पे डाल देता हूं, मैं ब्लर कर दूंगा। ठीक है, मैंने मोबाइल नंबर यहां पे डाल दिया। डालने के बाद दोस्तों आपको सिंपल आपको नेक्स्ट कर सकते हो और यहां पे देख सकते हैं ईमेल आईडी से भी आप साइन अप कर सकते हैं। मैं क्या करूंगा, मोबाइल नंबर डाल करके आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना होगा। तो जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देते ना तो कुछ सेकंड आपको वेट करना होगा और आपके मोबाइल नंबर पे जो ना एक ओटीपी आएगा, यानी कि वन टाइम पासवर्ड होगा। ठीक है, और जैसे ओटीपी आएगा ना यहाँ पे ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा। जैसे डिटेक्ट करने के बाद यहाँ पे एग्री टू इंस्टाग्राम टर्म एंड कंडीशन यहाँ पे पॉलिसी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपको एग्री करना पड़ेगा। तो आई एग्री यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ और जैसे आई एग्री पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका इंस्टाग्राम अकाउंट थोड़ा सा मोमेंट लेगा और यहाँ पे मैं प्रोफेशनल आपको मोड में भी कन्वर्ट करने वाला, यानी कि आपका जो इंस्टाग्राम न्यू अकाउंट बनाओगे ना तो उसको प्रोफेशनल अकाउंट करना काफी जरूरी होता है इंस्टाग्राम अकाउंट को ग्रोथ करने के लिए। आप बोनस जो रील्स जो एड होता है ना वो भी आपको मिलेगा और बोनस भी आपको मिलेगा, वो भी प्रोफेशनल अकाउंट में आपको मिलता है। कैसे कन्वर्ट करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ऐड पिक्चर और स्किप भी कर सकते हैं, यानी कि इंस्टाग्राम पे फोटो लगाना चाहते हो ऐड फोटो पे क्लिक करना होगा और जो भी आपकी गैलरी के अंदर फोटो उसको सिलेक्ट कर ले। चलिए सिलेक्ट कर लेता हूं, तो यहाँ पे मैं कोई भी पिक्चर यहाँ पे डाल दिया। डालने के बाद दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ना ऑल्सो शेयर विद यहाँ पे पोस्ट, यानी कि जो आपने फोटो लगाया ये फोटो को आप इंस्टाग्राम पे शेयर करना चाहते पोस्ट करना चाहते तो आप ऑन कर सकते हैं। लेकिन मैं क्या करूँगा यहाँ पे डन पे क्लिक कर दूंगा, चेंज करना चाहते पिक्चर को चेंज भी कर सकते। ठीक है, एडिट करना चाहते क्रॉपिंग वगैरह को एडजस्ट करना चाहते फोटो को तो वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा, वेलकम टू इंस्टाग्राम, यानी कि आपका इंस्टाग्राम यहाँ पे ओपन हो चुका और यहाँ पे बोलेगा स्किप करना चाहते या कंटिन्यू, तो मैं क्या करूंगा स्किप नहीं करूंगा, कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा और आपका यहाँ पे फेसबुक ओपन हो जाएगा। तो फेसबुक आप कनेक्ट करना चाहते इंस्टाग्राम पे तो आप कनेक्ट कर सकते, मैं क्या करूंगा स्किप ही करना चाहिए थे तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे स्किप कर देता हूँ। ठीक है, आपको भी स्किप करना होगा। ठीक है, स्किप करने के बाद आपको कुछ पॉपुलर या सजेशन जो ना डिस्कवरी जो आपको फ्रेंड होगा ना तो आपके मोबाइल के अंदर दिखाई देगा और यहाँ पे फॉलो करना चाहते तो आप कर सकते हैं। मैं किसी को फॉलो नहीं करूंगा, यहाँ पे जो ना मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। और यहाँ पे क्या बोला कि जो भी आपका फॉलो करेगा या आपको कोई लाइक करेगा वीडियो पे चाहे फोटो पे, अगर आप चाहते उसका नोटिफिकेशन आना चाहते तो ऑन कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा नोटिफिकेशन ऑन करूंगा, ठीक है मुझे चाहिए, तो मैं क्या करूंगा ऑन जैसे करूंगा ना तो आपका इंस्टाग्राम जो ना पूरी तरह से यहाँ पे रेडी यहाँ पे हो चुका। लेकिन ये प्रोफेशनल यहाँ पे नहीं हुआ, ये नॉर्मल हुआ, तो आपको प्रोफेशनल कैसे करना, तो इसके लिए आपको यह थ्री लाइन पे क्लिक करना होगा। सेटिंग एंड प्राइवेसी के अंदर जाना पड़ेगा। आने के बाद दोस्तों नीचे जाओगे ना एक सेटिंग मिलेगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं अकाउंट टैप एंड टूल्स होगा, इस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों ऊपर में आपको स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट होगा, इस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना, कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आप क्या पोस्ट करना चाहते हैं इंस्टाग्राम,
पे ब्लॉगर हो या आप आर्टिस्ट हो या आप वीडियो क्रिएटर हो, जो भी आप यहाँ पे करना चाहते हो यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे कि मैं वीडियो क्रिएटर हूँ या आप शॉपिंग हो तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। ब्लॉगर हो, कुछ भी करना चाहते हो आप यहाँ पे अपना कैटेगरी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। आप यहाँ पे ये कैटेगरी को आप डिस्प्ले करना चाहते हो तो आप यहाँ पे ऑन भी कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, यानी कि डन पे क्लिक किया। 30 सेकंड आपको वेट करना पड़ेगा। तो जैसे 30 सेकंड वेट करेंगे ना तो यहाँ पे कुछ लोडिंग होगा। तो जैसे 30 सेकंड वेट करने के बाद दोस्तों आपको क्रिएटर रखना, बिजनेस अकाउंट नहीं रखना। अगर आप बिजनेस चलाती हो रहा तो आप बिजनेस अकाउंट बना सकते हो, लेकिन अगर आप जो नॉर्मल क्रिएटर हो, वीडियो आप रील्स वगैरह डालोगे, आप पॉपुलर होना चाहते हो ना, तो क्रिएटर रखना काफी जरूरी है। तो आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना, क्रिएटर को सिलेक्ट करके ओके पे क्लिक करना होगा। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ टास्क होगा, उसको कंप्लीट करना। यहाँ पे बोला है कि कुछ बायो वगैरह डालना चाहते हो तो यहाँ पे डाल सकते, देता हूँ। इसको भी मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया, इसको भी मैं क्लिक करके आपको जो ना कुछ पोस्ट करना चाहते तो कर सकते हैं। यहाँ पे जो आप टूल्स वगैरह यहाँ पे सजेशन वगैरह देखने को मिल जाएगा तो यहाँ पे आप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे डालना चाहते हो डाल सकते हैं। तो ये सारा कंप्लीट आपका हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं आपका जो ना अकाउंट जो ना पूरी तरह से जो ना प्रोफेशनल डैशबोर्ड यहाँ पे आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से 2023 में इंस्टाग्राम अकाउंट को बना सकते हो और प्रोफेशनल मोड में भी आप अनेबल कर सकते हैं, यानी कि कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे प्रोफेशनल अकाउंट बना लिया, पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक मैंने बता दिया। और टू स्टेप वेरिफिकेशन का भी बारे में बता देता हूं। तो यहाँ पे सेटिंग एंड प्राइवेसी के अंदर जाओगे, जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे अकाउंट सेंटर के अंदर जाओगे, जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक सेटिंग देखने को मिल जाएगा पासवर्ड सिक्योरिटी, इस पे क्लिक करोगे। क्लिक करने का टू स्टेप वेरिफिकेशन पे क्लिक करोगे, इंस्टाग्राम यूजर आईडी को सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको टू स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन करना चाहते हो तो यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करके और आपका जो ना आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा और आपका टू स्टेप वेरिफिकेशन यहाँ पे ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो यही था सिंपल तरीका 2023 में आपका जो ना इंस्टाग्राम अकाउंट जो ना पूरी तरह से रेडी यहाँ पे हो जाएगा। जैसे कि टू स्टेप वेरिफिकेशन यहाँ पे ऑन हो चुका, सिक्योर भी हो चुका और आप प्रोफेशनल अकाउंट में भी आपने कन्वर्ट कर लिया और आपका जो ना इंस्टाग्राम अकाउंट भी यहाँ पे बन चुका, जो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का जो वीडियो